देवी जी कह रही बाबा बाबा कह रहे जी बोलो बोले मोई अमर कथा सुना दो मोकू तो अमर कथा सुना दो बोले देवी हो तो अमर कथा तो सुनाऊंगो लेकिन ऐसे नहीं चूंकि त्याय भाग्य में ना हती कथा बोले मेरे भाग्य में होवे चाहे नहीं होवे परंतु मोह तो अमर कथा सुना दो महाराज मोह तो अमर कथा सुना दो चलो ठीक है सुनाऊंगो। अब बाबा कह रहे मैं तो अमर कथा देवी जरूर सुनाऊंगो और इधर क्या होता भागवत श्रोता बंधु जनों एक वृक्ष के अंदर एक अंडा वृक्ष हिला अंडा जमीन पे गिरा और जमीन पे गिरा वो अंडा फूटा हुआ पड़ा हुआ है। अब कैलाश शिखर से थोड़े बाबा नीचे उतर करके आए नीचे कैलाश शिखर से नीचे आए तो अमरनाथ क्षेत्र में आ गए और अमरनाथ क्षेत्र में आकर के बाबा ने अपना एक बहुत सुंदर आसन लगाया और अपना और दो आसन एक अपना और सामने देवी जी का आसन लगा दिया। अच्छा ये श्रोता और वक्ता का अपना ये संबंध होता है भाई मैं कथा कह रहा हूँ ठीक है और आप इस कथा को पीछे आकर के बैठ जाओ फिर सुनो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना मैं कथा सामने बैठ करके कह रहा हूँ और आप आकर के पीछे बैठ करके कथा सुनने लगो तो महाराज वो आनंद नहीं आएगा जो कि होना चाहिए। अच्छा ठीक है या फिर आप लोग बैठे और हम अपना मुंह फेर करके महाराज इधर मुंह करके कथा सुनाने लगे तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए भागवत श्रोता बंधु जनों आमने सामने ये वक्ता श्रोता का अपना ये आसन होता है ये मर्यादा होती है तो ध्यान दो। तो महाराज कहे प्यार से जय श्री जय श्री हाँ मल्लू बुला करो सुनियो तई हुआ ये तो अमरनाथ बाबा ने आसन एक अपना देवी जी का सामने और देवी जी को सामने बैठा दिया देवी जी बैठ गए बोले हैं जी बोले हाँ अमर कथा सुनाऊंगा नहीं तो अमर कथा सुनाने के लिए वो अपना बाबा तो कथावाचक बन गए और मैया श्रोता बन गई ये अपना दोनों में प्रेम की ये प्रेम में सब महाराज ऐसा चलता है। अब बाबा तो कथा सुनाने लगे देवी जी कथा सुनने लगे महाराज कथा सुनना प्रारंभ हुआ लेकिन कथा बाबा तो सुना रहे हैं और देवी जी कथा को सुन रही हैं लेकिन कितना आनंद आया कितनी चौखी कथा बाबा सुना रहे महाराज कैसे सुना रहे चलो एक कड़ी का भजन बोल लेता हूँ भोले बाबा कथा सुनावे जय हो भोले बाबा कथा सुनावे मात सुनन को लागी ओ माँ के पड़ गए सोता हूँ कराते रहो तोता ओ माँ के पड़ गए सोता हूँ कराते रहो तोता ओ माँ के पड़ गए सोता हूँ कराते रहो तोता भोले बाबा कथा सुनावे मात सुनन को लागी उमा के पड़ गए सोता हूँ करावे रो तोता उमा के पड़ गए सोता हूँ करावे रो तोता हरिओम सुनाते हैं ओ भोले बाबा जी कथा सुनाते हैं ओ भोले बाबा जी कथा सुनाते हैं ओए होए ओ भोले बाबा जी कथा सुनाते हैं मैया उमा जी कथा को प्यारे सुनती हैं मैया उमा जी कथा को प्यार सुनती है लेकिन बात बनी बनाई महाराज बिगड़ गई आधी कथा मात सुन पाई तो नींद न आए दबाई उमा के पड़ गए सोता ओ करा दे रो तोता उमा के पड़ गए सोता ओ करा दे रो तोता
बाबा कथा सुनावे मात सुनन को लागी माँ के पड़ गए सोता हूँ करा दे रो तोता ओ माँ के पड़ गए सोता हूँ करा को लागी उमा के पड़ गए सोता और उगरा दे रहा हूं तो तो। अच्छा अब समस्या आ गई महाराज, बाबा तो कथा सुना रहे हो, देवी जी प्रेम पूर्वक कथा सुन रहे, पहला दिन गुजर गया परीक्षित यज्ञपति जी कथा आनंद आया महाराज, दूसरा दिन भी गुजर गया और तीसरा दिन भी महाराज कथा में गुजर गया, और महाराज यो करो के कथा बाबा सुना, अब मेरे जैसी कथा थोड़ी सुना रहे थे, महाराज आए और तीन घंटा अपना कथा सुनी गाड़ी में बैठे भाग गए महाराज, वो तो अपना आसन लगा करके यूं करके बैठ रहे महाराज, यूं ही दिन रात कथा चल रही है, स्टॉप नहीं चल रही कथा, अब कथा चल रही है महाराज, तो हो सकता है महाराज नींद तो नींद ऐसी है, किसी ने नींद को कभी बुलाया कि आजा अब, किसी ने नींद को बुलाया परीक्षित जी यज्ञपति जी सारी जिंदगी हो गई कभी नींद को बुलाया कि अब आजा, वो तो बगैर बुलाए आती है, ये दो चार चीजें बगैर बुलाए, नींद भी बगैर बुलाए आ जाती है, जब आप मेहनत करो महाराज ज्यादा दो चार दिन जग के देखो नींद अपने आप आ जाएगी, और जो महाराज नींद आती है तो वो नींद कभी ये नहीं देखती महाराज, ये चारपाई पड़ी है तकत पड़ा है या फिर सूखा हुआ खेतों में ढेलों में पड़े हैं, आपने देखा होगा मई जून के महीने में जिस समय महाराज खलियान में किसान अपना अनाज से वो अनाज निकालता है महाराज, देखो कितनी चौकी नींद आती, कभी नींद आई है खेतों पे, हाथ का तकिया लगाया वापस हो गया, कोई झंझट नहीं, कोई खटकाव नहीं, कोई भटकाव नहीं, इतना आनंद आता उस नींद में, मैंने महाराज देखा है प्रैक्टिकल करके, कहे प्यार से जय श्री जय श्री। अच्छा नहीं तो अब की बार देखना थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेना, दिना दो दिना यार छोड़ो आज की बार क्या देखना, जब भंडारा हो महाराज उसके दिन में देखना, रात्रि वाले दिन जिस समय भंडारा हो जाए उसकी रात्रि वाले दिन देखना, मालूम नहीं पड़ेगा कब सवेरा हो गया, इतनी चौकी नींद आती है महाराज, इतना आनंद उस नींद में आता है, मैंने आनंद ही नहीं देखा दुनिया में जब नींद में आनंद आता है नहीं आता, जो लोग सोते जा रहे हैं उन लोगों को पूछो चार घंटे जगते कैसे, सोने में ही अपना जिंदगी, सोने में ही जिंदगी, सोने में ही आनंद की अनुभूति कर लेते, कहे प्यार से जय श्री। हाँ तो सुनियो महाराज, तो मैया को नींद आ गई, नींद का जो कर लगा मैया यूं करके सो गई, सो गई, अच्छा मैया सो गई, बाबा को कहा पता भैया अब घूंघट यूं करके घूंघट लगो है, और मैया तो सो गई, अब मैया सो गई, अब दूसरी घूंघट की बात छोड़ो महाराज, अब मेरे जैसे कथावाचक तो बाबा भोले बाबा नहीं थे, कौन सा व्यक्ति उदम मचा रहा तुरंत जाएगा, अरे भैया ये कर रहा कौन सा सो रहा, अरे क्या सो रही हो जी, नहीं तो ऐसे तो फिर नहीं, वो तो ऐसे वक्ता थे नेत्र बंद करके कथा सुनाते थे, अब महाराज कौन कथा सुन रहा है, कौन आवाज दे रहा है, ये उन्हें तो नहीं मालूम महाराज, मेरे जैसे नेत्र तो नहीं खुलते, वो अंदर की बात, अंदर की बात अपना, तो नेत्र बंद किए तो बाबा कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन मैया को तो नहीं, अच्छा नेत्र बंद करके देखो आगे वाला जग रहा है कि सो रहा है, यज्ञपति झोंका ले रहे कि नहीं ले रहे, मुझे क्या मालूम, मैं तो अपना कथा कह रहा हूं, तो देवी को नींद आ गई, और देवी को नींद आ गई तो पीछे वो जो अंडा फूटा हुआ पड़ा था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया, जब भोले बाबा ने कथा को सुनाया पान किया है कराया तो जीव का प्रादुर्भाव हो गया, और उसमें से महाराज एक सुख का जन्म हो गया तोता का, और तोता ने देखा पीछे ये बड़ी आनंद की कथा चल रही है महाराज, इस कथा को तो चलो हम भी सुनेंगे, और वो समाधिस्थ हो करके कथा को सुनने लगे, और वो कथा को सुन रहे महाराज, देवी जी को नींद आ गई, तोता ने सोचा होगा अगर मर्यादा रखी थी ना बाबा ने कि मैं कथा सुनाऊंगा तुम्हें हूं करा देना पड़ेगा, भाई पहले के बाबा नाती अपने नाती पोताओं को किस्सा कहानियां सुनाते थे, चार पाई जोरे डाल देते, बोले लाला हो तो सुनाऊंगा तो पर हूं करा देना पड़ेगा, बोले जी ताकि मालूम पड़े सुनने और सुनाने वाले दोनों जाग रहे हैं, अब हुकरा देना बंद तो किस्सा कहानियां बंद, तो बाबा कह रहे देवी वो हुकरा दियो, तो देवी तो हुकरा दे रही, हुकरा देना बंद, तोता ने सोचा होगा ये देवी को तो आ गई नींद, और बाबा ने जान लिया तो ये कथा से हम वंचित हो जाएंगे, तो देवी जी के बदले में वो तोता अपना हुंकरा देने लगा, कहे प्यार से जय श्री, और हुंकरा देने लगा माने का चोरी करने लगा, क्या करने लगा, कहे कि प्रभु के नाम की, लेकिन चोरी करना धर्म है, चोरी करना धर्म है या नहीं है, है या नहीं है, नहीं है, हाँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा एक बार एक काम करते हैं।
इन लोगों ने, चलो मैं आज बोरियत नहीं किसी को दे रहा हूँ ज्यादा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो लोग बड़े महान हैं जिन्होंने कहा चोरी करना धर्म नहीं है हमारा। ये अच्छी बात है, चोरी करना धर्म नहीं है और चोरी करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ शास्त्र कहता है चोरी करना धर्म है। खुली हुई पगैया जाओ, जितनी चोरी कर पाओ पड़ोसी के खेतों की, घर में जाओ अपना कर लियो, आज मौका है, आज मौका है। दो चार कंगे पागल हो गया क्या, चोरी करना धर्म है, लेकिन महाराज चोरी कर, पहले ये भी तो पूछ लो महाराज चोरी करी किसकी जाएगी, बल चोरी किसकी बता रहे आप, तो मैं भजन से सिद्ध कर देता हूँ, जरा ध्यान रखना। कूट अने क्या है, कूट दुनिया में कूट अनेको है, दुनिया में कूट अनेको है, परिचित्र कूट सम कूट नहीं, दुनिया में कूट अनेको है, परिचित्र कूट सम कूट नहीं, कूट सम कूट नहीं, दुनिया में झूठ अनेको है, दुनिया में झूठ अनेको है, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं, दुनिया में झूठ अनेको है, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं, दुनिया में कूट अनेको है, पर चित्र कूट सम कूट नहीं, और दुनिया में झूठ अनेको है, पर जटा झूठ सम, मेरे जैसे जटाधारी बहुत देखे होंगे, लेकिन भगवान भोले बाबा जैसा जटाधारी आप रहे नहीं देखना, तो महाराज दर्शन नहीं हुए होंगे, है ना। आगे कभी लिख रहा है, दुनिया में कूट अनेको है, दुनिया में कूट अनेको है, दुनिया में फूट, लेकिन कोई भाई बहन बताएगा सबसे बड़ी फूट कौन सी है, मैं बता रहा हूं मारा, दुनिया में फूट अनेको है, दुनिया में फूट अनेको है, परि भाई भाई सम फूट नहीं, ओ दुनिया में लूट अनेको है, दिन रात लूटे जाओ महाराज, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते महाराज लूटे जाओ चोरी करे जाओ, तो कभी लिख रहा है, दुनिया में लूट अनेको है, दुनिया में लूट अनेको है, पर राम नाम सम लूट नहीं, दुनिया में लूट अनेको है, पर राम नाम सम लूट नहीं, दुनिया में लूट अनेको है, पर राम नाम सम लूट नहीं, दुनिया में लूट अनेको है, पर राम नाम सम लूट नहीं, कहे
प्यार से जय श्री। मैंने चोरी करना कोई गलत बात कह दी क्या? चोरी करते जाओ महाराज, यहाँ से मैं कह रहा हूँ इस पवित्र जगह से, चोरी तो सब भाई बहनों को करनी ही चाहिए, लेकिन प्रश्न ये उठता है चोरी करनी किस चीज की है। तो दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट सम कूट नहीं, और दुनिया में झूठ अनेकों हैं पर जटा जूट सम जूट नहीं, दुनिया में फूट अनेकों है पर भाई भाई सम फूट नहीं, और दुनिया में लूट अनेकों है पर राम नाम सम लूट। ये भगवान राम के नाम की चोरी तो करनी ही चाहिए। मैं संसार के वस्तुओं की चोरी नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो जाओ जहाँ से पड़ोसी के जहाँ डाको डाल दो जा करके। महाराज महाराज जी कह गए ऐसा नहीं आ रहा तो समस्या आ जाएगी। ये चोरी है भगवान के नाम की। अच्छा मैं इसे इस प्रश्न को शास्त्र से जोड़ देता हूँ। एक बार भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ, वनवास राम जी का हुआ, तो राम जी बन के लिए चले, तो सबसे पहले राम जी का भेंटा हुआ कोल भीलों से। किससे हुआ? कोल भीलों से। तो कोल भीलों से जब राम जी का भेंटा हुआ तो कोल भीलों ने राम जी का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया। आइए स्वागत है, आइए स्वागत है, आइए स्वागत है। तो लोग का टिप्पणी, भाई गुण दोष से संसार की नियुक्ति है, गुण और दोष से ये संसार की नियुक्ति है। वो एक अलग की बात है, किसी में गुण ज्यादा है तो किसी में दोष ज्यादा है, ये गुण और दोष से संसार चलता है, संसार की नियुक्ति है। तो किसी ने, वो तो राम जी का स्वागत सम्मान कोल भीलों ने किया, किसी ने पूछ लिया अजी ऐसा काहे को कर रहे हो जी, बोले क्या हुआ, बोले इतना बड़ा स्वागत सम्मान करते हो तुमने ऐसा काहे को किया, क्योंकि तुम तो वस्तुओं की चोरी करते थे, लूट खूंद करके अपने जीवन का निर्वहन को निर्वहन करते थे। तो कोल भीलों का क्या जवाब था मालूम है साहब? कोल भील जवाब दे रहे हैं साहब, क्या जवाब दे रहे हैं? बोले चोरी पहले भी करते थे, चोरी आज भी करते हैं, लेकिन चोरी करने में थोड़ा अंतर हो गया। और इसी बात को लेकर के प्रातस्मरणीय बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कुछ लिख दिया, लिखा कोल भील जवाब दे रहे हैं, ऐसा हम हमारे प्रभु जे शिव काई और ले ही न बासन बसन चुराई, ले न बासन बसन चुराई, ले न बासन बसन चुराई। ऐसा हमारे प्रभु जे शिव काई, ले ही न बासन बसन चुराई, ले वासन वसन जुराई, ले वासन वसन जुराई, ले वासन। कुल भी जवाब दे रहे हैं, अस हमारे प्रभु जे शिव गाई, ले न बासन बसन चुराई। महाराज चोरी हम पहले भी करते थे, चोरी आज भी करते हैं, लेकिन चोरी करने में थोड़ा अंतर हो गया है। महाराज पहले हम संसार के वस्तुओं की चोरी किया करते थे, संसार में जो भी मिल जाता था उसे चोरी करके के बेच करके जीवन का गुजारा करते थे, लेकिन अब हम संसार की चोरी न करके अब तो हम संसार के स्वामी के नाम की चोरी करने लगे। लेकिन चोरी तब भी करते थे और चोरी अब भी करते हैं, लेकिन उस चोरी चोरी में अंतर हो गया। अब हम संसार के स्वामी, संसार के स्वामी कौन है? वो परमात्मा, वो करुणा निधान, वो जगदाधारी, वो जगदीश्वर, वो परमात्मा महाराज हमारे संसार का स्वामी है। अब हम संसार के स्वामी के नाम की चोरी करते हैं, इसका मतलब है भगवान के नाम की चोरी कोल भील करने लगे हैं। तो वही बात कहा कि चोरी पहले भी करते थे, चोरी आज भी करते हैं, लेकिन चोरी चोरी में अंतर हो गया है। प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनों, तो ध्यान रखें, तो ध्यान रखें, बहुत बढ़िया आप भैया, तो ध्यान रखेंगे प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनों कि इधर तो चोरी
करनी चाहिए भगवान के नाम की। अच्छा भगवान के नाम की चोरी कैसे करोगे साहब? ऐसा तो नहीं किसी कोठरी में बंद हो, ताला तोड़ो निकाल लाओ। महाराज आपके अंदर से ये जो चिंतन होता है, ये सुबह शाम ये चिंतन के माध्यम से भगवान के नाम की चोरी की जाती है। चिंता को त्याग दो, चिंतन को बढ़ा लो, फायदा हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। तो सुन सुन, अब हुआ ये कि प्यारे तो इधर चोरी, तो महाराज वो तोता हुंकरा देने लगा। बोले बाबा कथा सुनावे, मात सुनन को लागी उमा के पड़ गए सोता और हुंकरा दे रहो। यहाँ आरती प्रसाद सिगरो वितरित है गो। वाके बाद में बोले बाबा ने, बाद में जयकार लगा, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जयकारो लगो, मैया की नींद टूटी बाबा, फिर का वो बाबा बोले कर लो बात, यहाँ आरती प्रसाद सिगरो वितरित है गो। देवी कह रही है फिर का वो माफ कर दियो बाबा, मुझे गलती है गई, मुझसे गलती है गई, मुझे माफ कर दियो बाबा। बोले गलती है गई, काहे बात की गलती है गई? बोले मैंने का कथा पूरी सुन पाई बाबा के कछु कान भाई। बाबा बोले मैंने कथा, ये देवी ने कथा नहीं सुन पाई, और मैंने कथा सुनानो बंद नहीं करो। और जी हुकरा फिर कहां से आवत करो भैया? सोया हुआ व्यक्ति आवाज दे सकता है क्या? अच्छा एक पति जी, कोई व्यक्ति सो जाए और उससे कहो जी राम राम, तो राम राम लेगा? नहीं ले पाएगा, वो तो सो गया। अब सोया हुआ व्यक्ति आवाज नहीं दे सकता, तो बाबा ने विचार करो कि मैंने कथा सुनाना बंद नहीं किया और देवी को नींद आ गई, फिर ये आवाज कहां से आती रही? नेत्रों को बंद करके देखा 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 तो समाधिस्थ होकर के व्यासपीठ के पीछे वो तोता जो है कथा को महाराज सुन रहा है चिंतन के माध्यम से। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ तोता कथा सुन रहा है, और जब तोता कथा सुन रहा है ना, बाबा को क्रोध आ गया। ये बोले बाबा को क्रोध भी जल्दी, जिस व्यक्ति को जल्दी क्रोध आता है उस व्यक्ति का क्रोध जल्दी चला भी जाता है, और जिस व्यक्ति को थोड़ा देर में क्रोध आता है तो उसका क्रोध मारा शांत भी बड़ी देर में ही होता है। तो भोले भाले, भोले भाले, जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हो उतनी जल्दी क्रोधित हो जाते। अच्छा यही एक देवता पवित्र है, इस पर प्रेम से चढ़ा दो तब भी महाराज फायदा हो जाएगा, और रूखा सूखा भी चढ़ा दो तब भी प्रसन्न हो जाएगा, चार दिन का रखा हुआ चढ़ा दो फिर भी प्रसन्न हो जाएगा। महाराज प्रसन्न, लेकिन भाव बनाना पड़ेगा, भाव बनाना पड़ेगा। भाव भगवान अपनी विभूतियों में कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी होता मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। मेरी बात न समझ पाए हो तो गहराई से समझ लो महाराज। अच्छा हम जब किसी सौदा को खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले महाराज क्या करते हैं, क्या करते हैं जी? आपके पास केवल दो ऑप्शन है, अगर समझ में आ रही है तो जी, और नहीं समझ में आ रही है ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? भाव। भई हम ये टेंट करने गए तो मैंने भाव किया, ये साउंड लेने गए हमने भाव किया, हमको बुलाया तो भाव किया, आप भी आए तो भाव हुआ। तो महाराज बगैर भाव के तो महाराज बात ही नहीं बनती है, और जब भाव बन जाता है तो सौदा का आदान प्रदान हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे इस कथा पंडाल में बैठ करके क्या बनाना चाहिए कि भगवान की कथा हमें मिलेगी भी नहीं मिलेगी? भई हमारे पास वो इतना पूंजी है भगवान की कथा को खरीदने के लिए या नहीं है? अब वहां नोटों की आवश्यकता नहीं है, वहां भाव की जरूरत है। हमारा भाव कितना है?
हमारा भगवान के प्रति लगाव कितना है। भाई भगवान के प्रति जब भाव जागृत होगा तभी तो कथा हमारे अंदर उतरेगी महाराज, और जब भाव नहीं बनेगा मेरे भाई बहनों तो कथा हमारे और में और कहते हृदय को नहीं उतर पाएगी। तो कथा पंडाल में महाराज आने से पहले अपने अपने घर ये भाव बनता है, चलो महाराज कथा हो रही है चलो चले, तो ये भाव बन जाता है तो हम सब कथा में आ जाते हैं। तो ही भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, और भावते मुझको भजे तो भवते बेड़ा। कह प्यार से जय श्री जी 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 जी। सुनियो अब कावो बोले बाबा कह रहे मोह तो जाए छोड़ो नो ना है अगरे मोह ना जाए छोड़ो नो मोह तो जाए भियाल मात देनो है। याने चोरी से कथा सुनी है, मर्यादा के विरुद्ध है कि कथा सुनिए। और बाबा भी सही कह रहे थे साहब, हर चीज की मान मर्यादा होती है। आप या कथा सुनने के लिए आए चार पाई लेकर के कल लियो महाराज, यही चार पाई डाल लियो, चार चार लेट के कथा सुनियो, कितना आनंद आवे, कितनी चौकी कथा लागे। तो ये मर्यादा के विरुद्ध हो गई, ये मर्यादा के विपरीत हो गई है ना। और आज कथा पंडाल इतनी सुशोभित है महाराज, हमारी चटाई है बिछाई है, ये व्यवस्था है सब आपके बैठने के लिए, और आप आकर के इधर खड़े होकर के कथा सुनना, उधर अपना टहल के कथा सुनना, शोरगुल से कथा सुनना, ये हो गई मर्यादा के विपरीत विरुद्ध। लेकिन यहाँ आकर के प्रेम पूर्वक आनंद के साथ बैठेंगे, कथा को सुनेंगे, तो ये हो गई मर्यादित कथा। तो भगवान भी कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं कि मुझे इस बात की आपत्ति विपत्ति नहीं थी, ये तोता कथा सुन रहा था, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसने मर्यादा के विरुद्ध होकर के कथा को सुना है, मर्यादा के विरुद्ध होकर के कथा को सुना है, ये व्यास पीठ के पीछे बैठ करके इसने कथा को सुना है, इसलिए मोजा को छोड़ो नहीं ना है। तो उन्होंने अपना त्रिशूल छोड़ दिया। अच्छा प्राण महाराज सबको प्यारे होते हैं, प्राण अपना सबको प्यारे होते हैं महाराज, आप लोग परेशान मत हो, आपके ऊपर तो व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, एक भी बूंद नीचे ना आवेगी। आप प्रेम से सुनियो महाराज, हाँ आप लोगों की देखो कितनी व्यवस्था में व्यवस्थापक जुटे हुए हैं। केवल किस लिए, दो शब्द भगवान के अपने हृदय में रख लो, केवल मुख्य उद्देश्य यही है, और इसी दो शब्द भगवान के हृदय में रखने के लिए डेकोरेशन की व्यवस्था है, ये टेंट की व्यवस्था है, ये हम सब लोगों की व्यवस्था है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ये दो शब्द आपके हृदय में पहुंच जाए, बस ये बात है महाराज। इसीलिए चलो एक मीठा सा कीर्तन गा लो, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करते हैं। घूंघट के पट खोली भी तो पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोली तो पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोलूरी तो पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोली तो पिया मिलेंगे। जब घूंघट के पट खोलूरी तो पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोलूरी तो पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोलूरी तो राम मिलेंगे, घूंघट के पट खोलूरी तो राम मिलेंगे।
रामो मिलेंगे, रामो मिलेंगे, रामो मिलेंगे, कोई रामो मिलेंगे, रामो मिलेंगे, पिया मिलेंगे, रामो मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, रामो मिलेंगे, पिया मिलें तो ही रामो मिलेंगे, रामो मिलेंगे तो ही पिया 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 मिलेंगे, पिया मिलेंगे, रामो मिलेंगे, पिया मिलेंगे तो ही रामो मिलेंगे, पिया मिलेंगे, सजन मिलेंगे, पिया मिलेंगे तो ही पिया मिलेंगे, कब अरे घूमट के पट खोलोरी तो राम मिलेंगे, घूमट के पट खोलोरी तो राम मिलेंगे, कभी लिख रहा है मैं कोई भजन नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई सोरठा दोहा छंद कवित नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जिंदगी की घटना याद दिला रहा हूँ, इतनी चीजों से अपन को गुजरना है। कभी लिख रहा है घूंघट के पट खोल रही तो पिया मिलेंगे, तो ये घूंघट कौन सा बहम है, मुझे केवल मुख्य उद्देश्य मेरा यहाँ टिकना चाहिए, घूंघट का मान क्या, ये घूंघट की व्यवस्था भैया कहेंगे, ये घूंघट की व्यवस्था तो माताओं पर है, आ माता भी कहेंगे महाराज ये जब हम लोग तो घूंघट का अपना संभालेंगे, लेकिन भैया लोग क्या करेंगे, लेकिन ये माता और भाइयों के विषय की बात नहीं है, ये घूंघट की बात नहीं है, ये वस्त्र वाले घूंघट की बात नहीं है साहब, ये घूंघट है अज्ञान का, ये घूंघट का मतलब है अज्ञान, अज्ञान को हटा लो और ज्ञान का दीपक हृदय में जला लो तो परमात्मा रूपी पति सहजताई से प्राप्त हो जाएगा, कह प्यार से जय श्री, हाँ तेज मत बोल दियो, अब मैं महल में दियला जलाए ले, चन्न महल में दियला जलाए ले, चन्न महल में दियला जलाए ले, चन्न महल में दियला जलाए ले, दियला जलाए ले ने का ज्योति 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 जलाए ले, संग में दियला जलाए ले, संग महल में दियला जलाए ले, संग महल में दियला जलाए ले, संग महल में दियला जलाए ले, दियला जलाए ले ने का ज्योति जलाए ले, दियला जलाए ले ने का ज्योति जलाए ले, ये सन्न महल में दियला जला ले माने ये मत समझ लेना मेरे प्यारे भाई बहनों कि आज तो मैं चार चार मंजिल ऊंचे बिल्डिंग में रह रहा हूँ और चार दिन पहले जो दादा परदादा का बना हुआ कच्चा मकान ये सन्न महल पड़ा है, ये बरसों से खंडर पड़ा, चलो जाए मैं हूँ सिलेंडर में लगा के दाता हूँ, यहाँ दीपक की ज्योति की बात चल रही है, तो यहाँ कवि लिख रहा है सन्न महल में दियला जला ले, ये दियला काय को है महाराज ज्ञान को, सन्न महल में ये शरीर रूपी अपना महल है, ये महाराज सदियों से खंडर पड़ा है, इसमें ज्ञान का दीपक नहीं जला, इससे चिंतन नहीं हुआ, परमात्मा का गुणानुवाद नहीं हुआ है, तो कभी ये कह रहा है ये अपना शरीर रूपी मकान महाराज खाली पड़ा है, राग द्वेष है काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ पाखंड अहंकार से ये जो जरा लगे ना दीमक लगी हुई है, इधर कोने पे इधर कोने पे इधर कोने पर, तो इसमें दीपक जला लो, झाड़ू लगा लो, काय से ज्ञान से, ज्ञान को दीपक जलाएंगे हृदय के अंदर तो महाराज परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कब होगी ध्यान रखना, चन्न महल में दियला जलाए ले, चन्न महल में दियला जलाए ले, दियला जलाए ले ने का ज्योति जलाए ले, दियला जलाए ले ने का ज्योति जलाए ले,
अरे आसन से हाँ आसन से भेजी आसन से मती डोलूरी तो ये पिया मेरे घूमट के पटक खोली री तो ये पिया मेरे हाँ घूमट के पटक खोलूरी तो ये राम मिलेंगे घूमट के पटक खोली री तो ये राम मिलेंगे घूमट के पटक खोलूरी तो ये पिया मिलेंगे घूमट के पटक खोली री तो ये पिया मिलेंगे घूमट के पटक खोलूरी तो ये पिया है प्यार से जय श्री बंधु जनो सुनियो। अब हुआ ये तो आसन से मत डोलरी अपने भक्ति से मत डोल अपने कर्म से विचलित मत हो जा। इस आसन का मतलब है कर्म। अपने कर्म से वंचित मत रहिए अपने कर्म से मत भटकिए धर्म के मार्ग से भटकिए मत। तो ध्यान रखे अब क्या हुआ अब हुआ ये तोता ने विचार किया ये त्रिशूल तो मुझे मार ही देगा मैं वहां से भाग खड़ो हो अब कहां के लिए भाग रहो अमरनाथ क्षेत्र से थोड़े नीचे और उतर के आएंगे तो मां महात्मा वेद व्यास जी को आश्रम है जिस आश्रम का नाम है शामम प्रयास। मां आश्रम से न्योकर के दरवाजे से निकल करके व्यास जी की पत्नी अरणी देवी माने के बेंटका देवी खड़ी है और उन्होंने अचानक जमुहाई ली तो तोता ने देखा इससे बढ़िया जागे मोको जादे मलूक जगह ना लाग रही तो उन्होंने अरणी मैया के उदर में प्रवेश कर गए बोली गोविंद भगवान की। त्रिशूल ने लिया वो त्रिशूल ने सोचा मैं स्त्री पे बार कैसे करूं बाबा ने तब तक आकर के त्रिशूल को लिया मैं गाड़ दो मैं बैठ गए यूं करके बोले कबूं तो निकलेगो तब हो जाओ मार के जाऊंगा बगर मारे मोह न जानो यहां तुम थे। अब भैया शाम है गई व्यास जी का आगमन हो तो व्यास जी ने भोले बाबा को देखो अरे हाथ जोड़ के मेरे तो भाग्योदय हो गए ये भगवान के लिए लोग तपस्या करते भक्ति करते हैं वो अपना नाना भांति से चिंतन करते हैं है ना मुझे तो दर्शन हो रहे बाबा बोले हो दर्शन देवे के ताई ना आया हूं ते आए दा व्यास जी बोले मोह तुझे लग रही है थोड़े नाराज लग रहे हैं आगे बढ़ गए बाबा का मोह तो कोई गलती है बोलना फिर आप नाराज बोले नाराज तो हो जावजे सूत्याय घर में मेरो चोर है काया चोर है बाबा कह रहे वो व्यास जी कह रहे मेरे घर के अंदर चोर है तो चलो अपन दोनों लोग मिलके निकालेंगे बोले ऐसे थोड़े नहीं निकलेगो बोले फिर कैसे निकलेगो बोले आपकी पत्नी है बोले हाँ आती तो बोले उनके पेट में है बाबा से कर लो बात क्या मतलब बोले पेट में व्यास जी बोले मैं समझा नहीं बोले समझने में बाकी क्या बोले नहीं नहीं महाराज समझाओ तो जरा बोले देखो साहब एक तोता ने अमर कथा को सुना और मैं उस तोता को मारने के लिए दौड़ा अब वो तोता आपकी पत्नी है ना बोले हाँ बोले उनके उधर में प्रवेश कर गया बोले सच बोले बिल्कुल बोले अच्छे बोले हाँ तो व्यास जी को बहुत हंसी आ गई महाराज और व्यास जी खिलखिला करके हंस गए बाबा कह रहे तुम मेरी बात को मजाक में परिवर्तित कर रहे हो मेरी बात को मजाक बना के उड़ा रहे हो हम आपके दरवाजे पे खड़े इसलिए तुम मेरी बाबा कह रहे नहीं नहीं व्यास जी कह रहे नहीं मैं बात को मजाक नहीं बना रहा हूँ हंसी तो आपकी केवल बातों पर मुझे आ गई। बाबा कह रहे हैं भोले बाबा मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है जो मेरी बात पर हंसी आ गई तो व्यास जी कह रहे हैं मुझे एक बात बताइयो बात तोता को तुम कहा करोगे बोलो हो मार के जाऊंगो बोले मुझे एक बात बताओ तोता ने गलती कौन सी करी है बोले अमर कथा को सुन लो कौन सी कथा को अमर कथा को बोले अमर कथा का मतलब क्या होता जो बोले अमाने नहीं मर माने मरे एक बार अमर कथा को सुन ले वो कभी नहीं मरे बोले तुम काहे को आए बोले मोह कबा छोड़नो है हो तो भाई मार के जाओ तई व्यास जी फिर हंस गए बोले बाबा कह रहे तुम फिर हंस रहे हो बोले आपकी बातों पर हंसी आ रही है महाराज बोले मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी व्यास जी कहते हैं बाबा ब्रो मत मानियो बोले काहे बात को बोले जब बात तोता ने अमर कथा को सुन लिया है वो आपकी अमर कथा के अंदर इतना पावर है इतनी पावरफुल है जो एक बार सुन ले वो जन्म जन्मांतर कभी ना मरे ब्रह्ममयी हो जाए आवागमन से रहित हो जाए और आप कह रहे हो हम बा को मार के जाएंगे तो बाबा बताइयो जब बा ने अमर कथा को सुन लो तो वो तो अमर ही है वो बाबा बोले गलती है गई भूल है त्रिशूल लो अपने कैलाश शिखर के लिए वापस चल दिए कहे प्यार से जय श्री जय श्री।
सिगरे मत बोल दियो, सिगरे मत बोल दियो, सही सिगरे बोल दोगे तो समस्या आ जाएगी। एक पति जी कह रहे बाबरो पीछे हाथ धो के पड़ गो है, अरे आज तो दूसरा ही तो दिन है, हाथ धो के कितना पढ़ोगे शायद सोच न सकत के। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ अब तो ठीक लाग रहो है, भगवान भी कह रहे हो कोई भक्त भक्ति कर रहे हैं, तो पंडाल से बाहर आवाज अब गई होगी, चुप प्रेम भाई गई तो होगी होगी, क्योंकि आवाज निकलेगी तो महाराज आवाज जाएगी, वो निकलेगी नहीं तो आवाज आएगी कहां से। तो प्यारे भागवत श्रोता बंधु, धीरे धीरे वक्त गुजरा, धीरे धीरे वक्त यहीं व्यतीत होगा। अब क्या हुआ तो एक दिन मैया बैठका देवी जी ने कहा अपने पति महाराज व्यास जी से, जी सुनिए इधर आओ। बोले क्या है देवी? बोले बैठो जरा। बोले हाँ जी बताओ। बोले मुझे ये लग रहा है मेरे उधर से कुछ मंत्रों की ध्वनि प्रफुटित हो रही है। व्यास जी कह रहे हैं देवी तुम सत कह रही हो, आपके उधर में जो बालक पल रहा है वो बालक के रूप में कोई महापुरुष पल रहा है, कोई महापुरुष है। तो थोड़े दिनों के बाद व्यास जी ने कहा बेटा तुम बाहर नहीं आओगे? तो उधर से आवाज आ रही है ना आऊंगा और ना आ रहा हूं, नहीं आऊंगा मतलब। बोले ना आ रहा हूं ना आऊंगा, वजह वजह ये है वो विष्णु की माया इतनी विचित्र है, विष्णु भगवान की जीव को पैदा होते ही लग जाती है। मैं नहीं चाहता हूं मुझे इस माया के घेरे में रहना पड़े, आ जाऊंगा। अगर वो मायापति विष्णु भगवान आकर के मुझे इस बात का वरदान दे दे कि मेरी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा तो मैं पैदा हो जाऊंगा। लेकिन एक जगह शास्त्र में ये लिखा है गर्भ मास दुखम न भूतो न भविष्यति। जो जीव को, जीव माने हम तुम सबको, जो पीड़ा जो कलेश जिस समय गर्भ में बालक होता है, जितना कष्ट उस गर्भ शिशु को होता है, माँ के उदर में परिचित जी हम तुम लोगों को जितना कष्ट होता है वो कष्ट जिंदगी में कभी देखने के लिए नहीं मिलता है। इतना कष्ट माँ के उदर में बच्चे को होता है, इस जीव को होता है। आप कहोगे महाराज ऐसा कैसे कह रहे? बोले हाँ सत्य कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। अब जिस समय गर्भ शिशु माँ जिस समय गर्भ गर्भ उधर में होता है तो माँ कोई गर्म चीज खा लेती है तो जीव को कष्ट होता है, कोई खट्टी चीज खाती है तो जीव को कष्ट होता है। तो महाराज ऐसा अपना ये शास्त्र में वर्णन है। तो जिस समय गर्भ में बच्चा बालक हो तो माताओं को बड़ी सहूलियत बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, बड़ी ये बच्चा जो होता है गर्भस्थ शिशु ये कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी तो देखा होगा, यूज किया होगा। कार्बन कॉपी का मतलब होता है एक कागज होता है वो यूं करके कागज पर रख लो, नीचे वाले पर ऊपर वाले से नीचे दबा लो, ऊपर वाले पे लिखो और वो कार्बन कॉपी के द्वारा नीचे वाले पर स्वतः ही लिख जाता सेम बिल्कुल। अगर आपने बार राम लिखा है तो नीचे श्याम नहीं लिखा होगा परीक्षित यज्ञपति जी, उसमें नीचे वाले पर भी राम ही लिखा होगा। तो ये जो बच्चा जब गर्भ में पलता है तो ध्यान रखे प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनों, माताओं को बड़े सहूलियत बरतनी चाहिए, क्योंकि माँ जैसा अपना चरित्र जिंदगी में जो चीज याद करेगी और अच्छा करेगी यार तो बच्चे के संस्कार अच्छे बढ़ेंगे। और महाराज जैसा उसका अपना मन होगा वो सब आकर के उस बच्चे के चरित्र में महाराज उतर जाएगा, कहे प्यार से जय श्री। तो ध्यान रखे। इधर हुआ ये कि आखिर भगवान विष्णु जी को आना पड़ा और आखिर के कहा बेटा तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। लेकिन कब तक नहीं होगा? एक गाय गाय अब तो घर गाय को देखा है कभी किसी ने? देखा है गाय नहीं देखी हमारे यज्ञपति जी ने? गाय नहीं देखी। अब गाय दिखा देना कहीं हो तो गाय दिखा देना। चलो मैं ही दिखा दूंगा। अरे हंसने की बात नहीं, मैंने कहा यज्ञपति जी ने गाय खिल 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 करके सब हंस गए। पर मेरी बात है तो पूरी समझ लो साहब। देखिए मैंने इसलिए कहा था, उन्होंने भी सही कहा है बात को। अब देखते कहां लोग तब डंडा लेके महाराज भगाते अब कहां रहे वैसे गाय का धर्म है ना? तो ये ध्यान रखें। तो भगवान वैकुंठनाथ जी कहते हैं एक अनाज का दाना
गाय के सींग के ऊपर, जो गाय के सींग होते हैं अनाज का दाना उसके सींग के ऊपर यूं करके रख दे, और जितनी देर वो अनाज का दाना गाय के सींग पे टिक सकता है इतनी देर भगवान विष्णु जी कहते मेरी माया का असर सुखदेव जी तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, अन्यथा फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने का है। प्यार से जय श्री। 12 वर्ष के बाद में श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ भूतल पर, और श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो वन के लिए चले गए। बोले श्री सुखदेव जी भगवान की। इस तरीके से मेरे भाव श्रोता बंधु जनों, श्री सुखदेव जी का भूतल पर आगमन हुआ। अब कथा यही विराम करूं, है ना, परीक्षित चार ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र को थोड़ी शांति बना के रखे साहब, ब्रह्मास्त्र को जब छोड़ दिया है ना तो सुनो, तू ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, वो ब्रह्मास्त्र जाकर के महाराज उत्तरा के गर्भ पर पड़ गया। उत्तरा चीखी, मेरे लाला ने सूक्ष्म कन्हैया ने सूक्ष्म रूप लिया और उत्तरा के गर्भ की प्राण रक्षा कर दी। थोड़े दिनों के बाद में महाराज समय व्यतीत हुआ, तो सुनो अब ये दृश्य मैया कुंती देख रही है। थोड़ा ध्यान दे केवल 10 मिनट के लिए। ये दृश्य मैया कुंती देख रही है, जैसे शास्त्र कहता है जैसे भगवान के सामने भक्त की चालाकी नहीं चलती है, और वैसे ही भक्त के सामने भी भगवान की महाराज चालाकी नहीं चलती है। तो प्यारे भाई बहनों, कुंती ने लाला कन्हैया को देखा और कन्हैया से जाकर के कहा, तू मेरा भतीजा नहीं है, तू तो मेरा भगवान है। क्या कहा कन्हैया से? मैया कुंती कह रही है तू मेरा भतीजा नहीं है, तू तो मेरा भगवान है। तो लाला कन्हैया कहते हैं, अरे जी इधर आओ, अर्जुन भैया इधर आओ, भीम भैया इधर आओ, नकुल सहदेव युधिष्ठिर भैया इधर आओ। बोले क्या है? बोले जरा इधर तो आओ। बोले बात क्या? बोले बात तो ये है, आज बुआ ने अपन को भगवान कहा है। क्या कहा है? भगवान। श्याम कहते आज मेरी बुआ मुझे भगवान कहती है, और भगवान से मांगा जाता है, तुम सब मांग लो आज, आज ये भगवान तुम लोगों को देने के लिए उद्यत, जो चाहो वो मांग लो। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने त्याग मांगा, किसी ने वैराग्य मांगा। अरे प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनो, अगर मांगने की पद्धति को देखना चाहे तो कुंती के चरित्र पर एक बार प्रकाश डाल के देखो। कुंती कहती है, लाला मुझे भी देना चाहता। हाँ बुआ, तू आज जी भर के मांग ले, तू दुनिया का सर्वस्व मांगेगी, मैं तुझे समर्पित कर दूंगा, लेकिन तू मांग करके तू देख। कुंती कहती, लाला मैं मांगूंगा, मैं बिल्कुल मांगूंगी, लेकिन मैंने मांगा और तेने ना दिया तो? बुआ तुझे विश्वास नहीं है? कुंती कहती, पक्का भरोसा भी है और विश्वास भी है। बोले तो तू मांग लेना बुआ, अपन को तेने भगवान कहा है और भगवान से मांगा जाता, जो चाहे वो मांग ले। तो कुंती कहती, लाला तिरवाचा कर दे। क्या कर दे? तिरवाचा कर दे। लाला कन्हैया कह रहे, बुआ विश्वास नहीं है? बोले पक्का है? बोले तिरवाचा कर दे। है? मैं जो मांगूंगी वो तू देगा? बोले हाँ, क्यों नहीं दूंगा? तो भगवान श्याम कहते, बुआ तू जो मांग मैं तुझे दूंगा, ले मैं तिरवाचा कर रहा हूँ, जो तू मांग मैं तुझे। तो कुंती ने महाराज अपने पल्लू को धोती के को आगे कर दिया, लाला मुझे देने, तू मांगने से मुझे देता है तो ला। ये दुनिया के संसार में जितना दुख हो वो दुख मेरी झोली में डाल दे। कन्हैया कहते, बुआ नहीं, ये नहीं दे सकता, सारी जिंदगी तेने कष्ट ही भुगता है, दुख ही भुगता है, तुझे सुख एक दिन भी मिला हो तो मैं तुझे दुख दे दूं, ये दुख मैं तुझे नहीं दे सकता। ये कुंती कौन है महाराज? कुंती के जीवन पर एक बार प्रकाश डाल के जानना देखना चाहोगे, ये महाराज कुंती महाराज जिनका बाल्यावस्था का नाम था प्रथा। महाराज सूरसेन की पुत्री, उनके मित्र हैं महाराज कुंती भोज। बाल्यावस्था में कुंती को लेकर के महाराज कुंती भोज चले गए प्रथा को, इन प्रथा का नाम हो गया कुंती। अच्छा, बच्चे को जब एक दूसरे की जगह पर ले जाया जाए तो थोड़ा समझ हो जाता, होने के बाद में फिर वो जानता तो है कौन हमारे माँ बाप है, किसने हमारा पालन पोषण किया है। तो महाराज पहला प्रश्न, कुंती का जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ? और महाराज थोड़ी कुंती सियानी हुई तो क्या हुआ महाराज? विवाह हो गया, और जब विवाह हो गया पति मिला, पति भी मिला तो महाराज पीलिया का मरीज मिला, और चार दिन में भरी जवानी में परीक्षित जी पति की मृत्यु हो गई।
क्या? अब पति की मृत्यु हो गई, एक महाराज भारत की नारी जिसके पांच पांच पुत्र जिसके अपने कंधों पर वजन हो, कमाती है खाती है पांच बेटा, और वो भी इतना भी होता तब भी सहूलियत थी, महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और मैया कुंती के 5 पुत्रों को दूसरा कोई काम नहीं है, केवल ये मारे कैसे जाए महाराज। ऐसी विषम परिस्थिति में ये कुंती अपने जीवन का महाराज निर्वहन कर रही है। तो बूढ़ा मैं तुझे दुख कैसे दे दूं? क्या जवाब दिया है कुंती ने मेरे भागवत श्रोता बंधुजनों, समझने और सुनने योग्य है और अपने परिवार में ये प्रश्न लागू करने योग्य है। महाराज जानना चाहोगे कुंती क्या कहती है, क्या दुख और क्या सुख लाला? सुख के माथे से लपड़, सिल माने पत्थर, सुख के माथे से लपड़ जो हर हृदय से जाए, वलिहारी बातों की जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। दुख में सुमिरन सिग करे, दुख में सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। एक व्यक्ति कहता है मेरे भागवत श्रोता बंधुजनों, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, सुबहुर करे वो कब। ये बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा है, लेकिन एक प्यारे भाग भागवत श्रोता बंधुजनों, एक व्यक्ति इसी बात की टीक, क्योंकि कटाक्ष करने में तो भारत बहुत आगे है ना, तो एक व्यक्ति कहता आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी कहा पड़ी है, अभी डली है बरसों, अभी डली है बरसों। फिर एक कवि और लिख रहा है, सोचता काहे बरसों की मूर्ख, एक पल का नहीं है ठिकाना। भगवान की भक्ति करनी है, कल नहीं अभियान नहीं, अभियान क्षण भर में करना शुरू कर दे प्यारे भागवत श्रोता बंधुजन। तो लाला इस तरीके से महाराज अपनी लीला को कर रहे हैं लाला कन्हैया। तो उत्तरा के गर्भ से थोड़ी दिनों की बाद में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिस लाला का नाम है महाराज विष्णु रात। क्या नाम है? विष्णु रात। और विष्णु रात वाले बेटा का ही नाम है परीक्षित लाल। बोले परीक्षित लाल महाराज की, सद गुरुदेव भगवान की, श्रीमद भागवती महापुराण की। अब यहाँ से कथा आप लोग हमारे भैया जी के मुखारविंद से कल श्रवण करेंगे, और बड़ी नाना भांति की कथा कल शिव चरित्र की कथा होगी, बड़ी और भी कथा होगी, और हाँ बताएंगे, और हो सकता है कल तृतीय दिवस है तो महाराज ध्रुव जी ध्रुव चरित्र भी होगा, और भी कथा बहुत है, वो सब कथा कल होंगी। तो आइए मेरे साथ में आप सब लोग अखंड कीर्तन बोलेंगे प्रेम पूर्वक, उसके बाद में महाराज आरती और अखंड कीर्तन सब। अच्छा एक बात सुनो, आपने जब मैं प्रातः काल उस समय आया था, उस समय आपने शायद विचार नहीं किया होगा, मैं जो अखंड कीर्तन बुलवाया था वो कहां से शुरू किया था? अब क्या पड़ोसी से पूछ लो, जी बताइयो जी, अरे जी बताइयो कहां से शुरू करो, अब विचार करियो, मैं बताऊंगा आपको। मैंने शुरू करो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे 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 हरे। तो आप इस चीज पे थोड़ा टीका टिप्पणी भी कर सकते थे, बोले महाराज ये हरे कृष्ण से शुरू काहे को कर रहे हो, ये तो हरे राम से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैंने लिखा देखा है राम से शुरू होता है, ऐसा देखा है कि नहीं देखा? देखा है? नहीं देखा? ना देखा हो तो देखना, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसी गलती की है, ऐसी गलती तो मैंने जानबूझ के की है कि राम से शुरू न करके महाराज मैंने तो कृष्ण से शुरू ये जानबूझ के की, मुझसे भूल नहीं हुई है, मैंने तो कहा था। अब आप कहोगे महाराज ऐसा काय को बोल रहे हो, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ साहब, ये हरे राम राम राम
राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये वेदांत मंत्र है, ये वेद की भाषा है, ये ब्रह्मा जी ने इस मंत्र की नियुक्ति की है। तो शास्त्र में ऐसा लिखा, वेद की भाषा अपवित्रता में बोलने से महाराज पाप लगता है। क्या लगता है? पाप लगता है, उतना फल हमें नहीं मिलता है। फिर चैतन्य आदि महामनीषियों ने आकर के इस मंत्र में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, थोड़ा बदलाव कर दिया। और जब बदलाव कर दिया तो उन्होंने कहा, इस मंत्र को अगर मर्यादा में बैठ करके कहो तो राम से शुरू करो, और किसी खेतों पे बोलो, खाते बोलो, जगते बोलो, चलते बोलो, मर्यादा में न हो करके महाराज कोई विषम परिस्थिति है फिर भी बोलना चाहो, फल बराबर लेना चाहते हो तो इस मंत्र को कृष्ण से शुरू करो। कहां से? कृष्ण से। हालांकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नए नगंभीर हैं, इनके चपल विशेष, बात ही कही है साहब। तो इस मंत्र को कृष्ण से शुरू करो तो फायदा हो जाएगा। इसलिए मैं पुनः इस मंत्र को दोहरा रहा हूं। हमारे साथ सब भाई बहन हमारे भक्तगण बोलेंगे, उसके बाद आरती और प्रसाद। जय जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम रामा हरे हरे, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा राम रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप होत शिक्षारा, ये जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, ये जन्म जन्मांतर के जो हमारे अंदर पाप है ना, ये पाप निकल जाते हैं साहब। शांति बना के रखो, थोड़ी शांति इसे रहने दो। अब तुम शाम को करियो लाला रे, अब बैठ जाओ, अबे रहने दो। तो
तो जो भगवान का नाम लेते हैं प्रेम पूर्वक उनके पाप जो होते हैं पर यज्ञपति परीक्षित जी वो निकल जाते हैं। अच्छा आप कहोगे साहब निकल के कहां जाते हैं, कई बार थोड़े नहीं चले जाते, जो भगवान का नाम लेते हैं उनके पाप निकल जाते हैं और फिर निकल करके कहां जाते हैं उसके लिए मैं जगह बताऊं कहां जाते हैं। अच्छा सुनिए साहब, जो बोलते हैं भगवान का नाम, जो भगवान का नाम भक्ति भाव के साथ में लेते हैं उनके पाप निकल जाते हैं और जो नहीं बोलते हैं भगवान का नाम उन्हीं के सिर पे बैठ जाते हैं, कहे प्यार से जय श्री। जो प्रभु का नाम बोलते हैं उनके निकल जाते हैं, जो नहीं बोलते उनके सिर पे बैठ जाते हैं। तो ध्यान रखना अब किसे पापों की आवश्यकता है और किसे भगवान की नाम की आवश्यकता है, अपना अपना डिसाइड कर लो। कहे प्यार से जय श्री, ज्यादा तो नहीं बहुत बोलना है लेकिन इतना ध्यान रखे महाराज। तो देवर्षि नारद जी वीणा की धुनी को करते हुए कैलाश शिखर के लिए चले जा रहे हैं, ध्यान दे। लेकिन वहां कैलाश शिखर पे एक समस्या है महाराज। अब वो समस्या क्या है, वहां भोले बाबा नहीं है केवल मैया जी हैं, बाबा नहीं है केवल मैया जी हैं। अच्छा वो अपना भाव क्या, अच्छा संतों का ये अपना भाव होता है साहब, अगर संत की बेटी पुत्र वधु भी हो तो संत बेटी कहेगा, संत कहेंगे अरे बेटी माँ, ये दो शब्दों से संबोधित करती, संतों का अपना भाव होता है साहब। तो देवर्षि नारद जी भी आदत के मुताबिक बोल पड़े मैया। अच्छा उनका भाव क्या था, नारद जी तो देवी जी से मैया कह रहे हैं पार्वती जी से, और पार्वती जी देवर्षि नारद जी को अपना गुरु तुल्य मानती है, है ना। वो कहते मैया आज अकेली, बाबा बोले आइए आइए बैठिए, बहुत दिनों बाद आए हैं आप, स्वागत है स्वागत है, आइए बैठिए। तो नारद जी बोले देवी मैया दिनों में आने वाली बात नहीं है लेकिन अब मैंने आना जाना बंद कर दिया है। बोले काहे को, किस लिए, बोले इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में लोग जो हैं वो जरा जरा सी बात पर हर पल हर क्षण झूठ का सहारा ले लेते हैं, कोई बात तो झूठ बोलते हैं। सो मैया मैंने तो मना आनो जानो बिल्कुल बंद कर रखो है। अच्छा बोले हाँ ध्यान रखो। तो नारद जी से देवी जी ने कहा अरे आना जाना बंद कर रखा है तो अपने आने के लिए कोई मर्यादा थोड़ी नहीं है, तो अपना घर है। बोले अपना घर है तो इसीलिए। अच्छा मैया एक बात, तो बाबा बोले बाबा तो बात की बात है, पहले तुम ये बताओ आना जाना बंद खाए को। बोले बंद तो मैंने इसीलिए कर दिया, ये संसार में कोई अच्छे लोग नहीं है अब, और लोग झूठ का सहारा लेते। तो देवी जी ने कहा पार्वती जी ने देखो साहब दुनिया झूठ बोलती हो हमें इससे कोई मतलब नहीं, अपने को इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरे जो अपने हैं ना स्वामी जी, स्वामी जी का मतलब भोले बाबा। बोले हाँ, बोले मुझसे इतना हित करते हैं, इतना हित करते हैं, इतना हित करते हैं, बहुत हित करते हैं। नारद जी कहते मैया सच बोले बिल्कुल, बोले झूठ बोले तोला भर नहीं, सत प्रतिशत बिल्कुल हकीकत की बात है, बहुत हित करते हैं। बोले फिर तो अच्छी बात है, हित करना भी चाहिए। अच्छा मैया ठीक है इतना ज्यादा ही करते, बोले हाँ करते। बोले देखो इतना हित करते हैं हमसे कि शास्त्र में ये मर्यादा है, जब गुरुजी कान में गुरु मंत्र देते हैं तो ये मर्यादा है, वो गोपनीय मंत्र होता है, वो किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे अपने महाराज ने आके सबसे पहले वो गुरु मंत्र मुझे बता दिया कि अपन गुरुजी ने मुझे ये मंत्र दिया। और तो और छोड़ो, जब शाम को चिंतन करते हैं ना भगवान का, तो उस चिंतन में किस झांकी का दर्शन करते हैं ये मेरे अपने महाराज मुझे आकर के बता देते हैं। नारद जी बोले मैया इसका मतलब तो ये हुआ, बोले बाबा तुमसे हित ज्यादा ही करते हैं। बोले इसमें तो कोई दोरा है ही नहीं, करते हैं तो करते ही हैं। बोले मैया ये तो अच्छी बात है, पति पत्नी में प्रेम होना ही चाहिए। अच्छा मैया एक बात बता। बोले क्या बात है, बोले इसका हित करते हैं ज्यादा, तो मैं एक बात तुमसे पूछना चाहूंगा। तो देवी जी कह रही जी पूछो। बोले आपने कभी ये बात भोले बाबा से पूछा है, ये मुंडों का हार जो अपने गले में धारण किए रखे हैं इसका मतलब क्या है। देवी जी कहती माफ करें जी, ये बात मुझसे आज दिन तक उन्होंने नहीं बताई, और उन्होंने बताई नहीं, अपन ने पूछी नहीं, या हो सकता हमने पूछी ना हो, उन्होंने इसलिए नहीं बताई हो। तो चलो अच्छा मैया अब तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो चला जहां से। अच्छा वो तो वहां से चले गए महाराज, इतना ही नारद जी का काम ही था महाराज, जही ना विवाद हो वहां विवाद करा दें और जहां विवाद हो वहां एकता करा दें। ये विशेषता है नारद जी के चरित्र जिंदगी में, है ना, ये विशेषता रही है महाराज नारद जी के चरित्र में। अच्छा नारद जी तो वहां से महाराज चले गए। अब देवी जी को महाराज चिंता बढ़ गई, चिंता तो चिंता है,
चिंता तो ऐसी दीमक है साहब जिसे एक बार लग जाए, ज्यादा नहीं बार बार नहीं, बार बार जिसे लग जाती है उसका तो जन्म जन्मांतर बिगाड़ देती है। और महाराज एक बार भी चिंता लग जाए सारा जिंदगी बर्बाद कर देती है। चिंता ऐसी दीमक है साहब, चिंता ऐसी, आगे कथा आएगी तो चिंता चिंतन के बारे में महाराज प्रश्न हल करता हूँ, लेकिन यहाँ केवल चिंता से हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो चिंता व्याप गई, बाबा ने मोको यह बात को तो ना बताया है जो मुंडो का हार इतना हित करते मुंडो के हार से, आखिर वजह क्या है? अच्छा चलो ठीक है, आवड़ दो, जब आएंगे तो हम पूछ लूंगी। अच्छा बाबा बैठे थे शायद थोड़ा कैलाश शिखर से हट करके दूरी पर, तो नारद जी भी शायद वहीं से निकले होंगे और इशारे में कह गए होंगे बाबा अब तो को यहाँ बैठने की आवश्यकता ना, मैया याद कर रही है घर पे। बोले बाबा कह रहे जा घर से तुम निकल के आ रहे होगे, भला ऐसा तो होगा ही होगा, मुझे तो लग रहा कुछ चौपट करके जरूर आए होगे। अच्छा बाबा मुझे ज्यादा बात नहीं कर, मैं तो चला अपना देखो संभालो। समझ गए बाबा, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी ऐसे प्रभु से कहा छुपी है जाके हाथ में। क्या जोड़ के बोलो ना। अरे यार तो मैं नहीं बोला रहा हूँ, थोड़ा कथा की मर्यादा है और थोड़ा हमारे सामने कुछ समस्या भी है, इसलिए साहब तो हम उसके हाथ में क्या है, क्या है? एक बच्चा बोला डोरी महाराज, ये सिगरे बैठे महाराज ना बोल रहे, कहीं गलती ना हो जाए तो डोरी, ये डोरी भगवान के हाथ में काय की है, सनकी के प्लास्टिक की रेशम की, ये दाब की, ये तो महाराज अपना संसार के गृह कार्यों की सम्मिलित है ना, लेकिन संसार की डोरी है भगवान के हाथ में, तेरे जीवन की डोरी है भगवान के हाथ में, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, अपने जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, और महलों में राखे या फिर झोपड़ी में बास दे, ये जाई बिद राखे राम ताई बिद रही है। संतोषम परम सुखम, संतोषमय जिंदगी जीवन बिताना चाहिए, ये शास्त्र की अपनी मर्यादा रही है। तो कहे प्यार से जय श्री। अच्छा मैं क्या कह रहा था उस समय, देखिए साहब मैं एक दो व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस पवित्र जगह से, थोड़ा फीका शब्द है, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोल बोल दूं, बोल दूं तो दौड़ तेज बोल दिया करो जितना मैं तेज बोलता हूँ। मैं निवेदन करना चाहेंगे जो हमारे वक्त इस तरीके से बैठे, प्लीज उनसे कहना चाहेंगे ये मर्यादा के विरुद्ध है, ये आसन जो होता है आपका, आपको देखिए मैं आपको मर्यादा की बात बताऊंगा, ये आसन जो होता है ये दरिद्री आसन है, इस आसन से बैठ करके अगर देवराज इंद्र भी कथा सुने तो वह भी महाराज दरिद्र हो जाएगा। नहीं मैं कटाच कर रहा हूँ, मेरी बात को पहले पूरी समझिए उसके बाद टिकट टिप्पणी करिए। देखिए साहब इस तरीके से अगर उन लोगों के लिए है जो शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है जैसे मेरे जैसे है बैठ सकते हैं, ये पद्म आसन से बैठ सकते कथा को सुनिए, और आपत्तिकाल मर्यादा नास्ते, शरीर में कोई कष्ट है शरीर में कोई परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर जैसे चाहो वैसे कथा को सुन लो, कोई पाप कोई दोष नहीं लगेगा, और शरीर से बिल्कुल सही है तो फिर प्रेम पूर्वक कथा को समझना चाहिए, है ना? जो अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए कोई मर्यादा नहीं है, लेट करके सुनो चाहे चल करके सुनो चाहे बैठ करके सुनो, जैसे जैसे अपनी मर्जी हो, परंतु प्रभु की कथा को सुनिए जरूर, और शरीर में मरण कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर यूं करके कथा को सुनना चाहिए। तो कहे प्यार से जय श्री। हाँ अच्छा लग रहा है, तो सुनिए महाराज अब अपनी कथा कहाँ चल रही थी, मैं आज काऊ ना पूछ रहा हूँ, आज तो हो ही कहूंगा, अब तो भाव है तो देवी जी को तो ढा पैदा है गई, अब अंदो शाम को जब आएंगे तो हम दो बातें करेंगे, बात पहले तो कछु कहनो ही ना है, अब तो भैया आग बबूला है के बैठ गई, अब गुस्सा में जो व्यक्ति हो तो बाकी तो सकल चेहरा मोरा बता दे, ये शरीर का अपना जो कैमरा होता है ना, ये गर्दन से ऊपर का जो ऐसा भाग है ना, ये अपना सिर वाला भाग, ये शरीर का पूरा संपूर्ण शरीर का कैमरा होता है, कितने प्रसन्न हो कितने आप नाराज हो कितने किस 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 कंडीशन में आप हो, ये शरीर के नजर एक बार दृष्टि पड़ जाए महाराज समझने वाला बता देगा आप इतने परेशान हैरान हो। तो महाराज बाबा आए, बाबा आए, बाबा का मतलब भोले बाबा आए, और भोले बाबा आए तो देवी जी अब क्रोध में बैठी है, भैया क्रोध में, क्रोध वाले व्यक्ति का तो आकार ही बता देता है,
अब देवी जी तो क्रोध में बैठी है। बाबा बोले देवी जी का हो, बोले मोते बात मत करियो। अरे बाबा बोले मोह तुझे लग रही है खजू गड़बड़ है, और मैंने तो तवई जाल ली जो संत नारायण मेरे जोर से निकल के गए, मैंने तो तवई जाल ली। अरे देवी जी जरा पूरी बात है तो बता। बोले मोह बात ना करनी। बोले नहीं नहीं फिर भी। बोले मैं कपटियों से बात नहीं करती हूँ। बाबा बोले कपटी तो वो होता है जो काला होता है। तो देवी जी बोले तुम ऊपर से भी काले अंदर से भी काले, मतलब ये है कि तुमने हमसे कपट किया। बाबा बोले मैंने तो देवी तरह से कभी कोई कपट नहीं किया। बोले नहीं कपट किया? बोले हाँ कभी। बोले तोला भर सच बोले बिल्कुल। ओ मैंने अगर बता दिया तुमने कपट किया तो? अरे देवी जल्दी बताओ, मैंने तो कोई कपट ही नहीं किया। बोले तुमने ये कपट किया, ये मुन्नों का हार तुम ये पहन के रखते हो, इसका मतलब क्या है? तो भगवान बोले बाबा कहते देवी अगर सत्यता को देखा जाए गहराई से तो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ इसका यही मुन्नों का हार प्रत्यक्ष है। मैं तुमसे हित कितना करता हूँ उसका यही एक प्रमाण मेरे पास बाकी बचा है कि मैं तुमसे लगाव कितना करता हूँ। इसमें कोई मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, इतने ही में तुम्हें समझना चाहिए। देवी जी कह रही, अब देवी जी को तो भैया अहंकार को भूत भरो बैठो है। बाका समझ रहे, जो व्यक्ति अहंकारी होता है प्रेम भाई वो काउगी बात ना समझ रहा, वो तो अपन ही कहता है। अब देवी को तो अहंकार को भूत सवार है। तो बाबा कहते देवी ये एक ही प्रमाण है मैं तुमसे कितना हित करता हूँ। मैं समझी नहीं। बोले समझने में बाकी क्या रहा है? नहीं नहीं मुझे बिल्कुल बिल्कुल साधारण रूप से समझाओ ना। बाबा कहते देवी ये मुंड जो है ना मेरे गले में, ये माला के रूप में पुरोहित है। ये मुंड किसी महाराज पड़ोसी के नहीं है, किसी जीव जंतु के नहीं है, ये मुंड आपके हैं। मतलब आपके हैं मेरे? हाँ मेरे मुंड और आपके गले में और हार के रूप में। बोले हाँ वो कैसे? बोले वो ऐसे जब जब तुम देह परिवर्तित करती हो, इस देह को दूर करके दूसरी देह धारण करती हो, तो आपके इस सिर को लेकर के मैं माला में पुरोह लेता हूँ क्योंकि आपकी याद बनी रहे। बगैर शक्ति के शक्तिमान नहीं होता है, इसलिए ये मुंडों का हार जो है ये आपके इतने जन्म आपके हो चुके हैं। देवी जी बोली बाप रे कर लो इनसे बात, मैं इतने जन्मों तक जिंदगी तक मरती रही जीती रही मरती रही जीती रही मरती रही जीती रही, आपको नंबर एक भी बार नहीं आयो। बाबा बोले कर इससे बाद यहाँ तो नंबर की बात चल रही है, यहाँ तो नंबर की बात चल रही है। बाबा बोले देवी जी नहीं मेरो नंबर आओ है वो नहीं कभी भविष्य में भी आएगा। बोले वो कैसे? बोले मैंने अमर कथा का पान किया है। काय को पान करो है? अमर कथा को। बोले अमर कथा का मतलब क्या है? अकार तोड़ता नहीं, अमाने नहीं, मरमाने मरे। जो एक बार अमर कथा का पान कर ले वो जन्म जन्मांतर कभी ना मरे। मैंने उस कथा का पान किया देवी, इसलिए मैं मरूंगा नहीं। कहे त्यार से जय श्री जी। कहता है एक छोटा सा भजन बोल लो, एक छोटा सा। कुछ लोगों को बोरियत हो रही है इसलिए बिल्कुल छोटा सा सब लोग बोलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मातर स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मातर स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु आप ही तो हमारे सब कुछ हो, आप हमारे मित्र हो, आप हमारे सखा हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारी माँ हो, सब कुछ आप ही हो, आप हमारे सगबंधु सखा हो, तुम्ही तो हो सब कुछ। पितु माता स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु माता स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। अरे भाई बहनों, बाबा कह रहे देवी जी बात वो नहीं है जो आप समझ रही हो, लेकिन अगर गहराई के तत्व से देखा जाए तो हम आपसे कितना हित करता हूँ यही एक प्रमाण है। इसलिए तुम जिद मत करो देवी और अपना जो भी जैसा कार्य है वो अपना संभाल लिए। नहीं नहीं नहीं, अब तो जिद जान गई देवी। बोले महाराज ये कथा तो मऊ सुननी है, जा कथा से आप सुन करके अमर है, जा कथा को सुन करके आप अमर हो गए तो ये कथा तो अपन को भी सुननी है। तो ही बाबा कहने लगे देवी वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात मुझे भी अच्छी लग रही है, लेकिन देवी मैं ये तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके भाग में ये कथा नहीं है। क्या मेरे भाग में कथा नहीं है? एक बात बताऊं साहब, इस कथा पंडाल में महाराज जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ प्रभु के नाम का गुणान वाद होता हो, तो ये शास्त्र में महाराज वर्णन है, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। एक कथा प्रांगण में बैठ करके भगवान के नाम की चर्चा को श्रवण कर लो। ये महाराज भाग्योदेन बहुत दिन समर्जिते सत्संग मम चलते प्रशो यदा वह, ये कोटि कोटि जन्मों के हमारे पुण्य एकत्रित होते इकट्ठे होते हैं तब महाराज ये कथा सुनने और सुनाने को प्राप्त होते हैं। ऐसा ही नहीं महाराज आए हम बैठ के ना, ये तो हमारे अंदर जो बैठा है
जो मेरे अंदर बैठा है, जो मेरे अपने को महाराज दिशा निर्देश देता है, बोले तुम्हें ये करना है, बोले ये नहीं ये करना है, बोले ये नहीं ये करना है, महाराज हमें वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस जगह पर बैठ करके टिक जाना है, आखिर मुझे क्या करना है। लेकिन प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनो, ऐसा व्यक्ति है मनीराम। उस मनीराम को कब्जा में करोगे तो फायदा हो जाएगा, और उसे यूं ही करके खुला छोड़ दोगे, आवारा छोड़ दोगे, तो वो ऐसी जगह ले जा करके जाएगा जो हमारा जिंदगी बर्बाद कर देगा। कहे प्यार से जय श्री, नहीं बात समझ में आई हो तो आज समझ लो, मौका भगवान ने दिया है साहब। अब ये मन को काबू में कैसे करेंगे साहब? मन एक दो घोड़े पर सवार नहीं है परीक्षित यज्ञपति अदरवाइज हमारे सब भाई बहनों, मन की तो इतनी, मन की 10 सवारी है। क्यों दिनेश भाई? मन की सवारी 10 है महाराज, 10 एक दो होता तो काबू भी कर लेते। और महाराज 10 बहनों पर ये मन चलता है, कितने पर चलता है, कौन चलता है मन? ये मन कौन सा है, कहीं पड़ोसी का तो नहीं, अंदर की बात है महाराज। ये मन जो है इसकी सवारी है 10, और वो 10 सवारी कौन सी है? 10 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, इनके ऊपर ये श्रीमान जी रहते हैं। कौन? जो मन है अपना, ये मन इन 10 सवारियों पर चलते हैं। तो कवि क्या लिख रहा है महाराज? कवि लिख रहा है पहले तो इंद्रियों को एक काम करो ना, अगर महाराज सवारी पर, जिस सवारी पर आप चलो यहाँ से, प्रैक्टिकल की कथा है, और वो सवारी आपकी चलते ही वक्त पंचर हो जाए, अच्छा एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। जो लोग बाइक से कथा पंडाल में आए हो, वो अपना बाइक तक जाना और आप पिछले पहिया की हवा निकाल देना, एक बार देखना चल के, एक बार निकाल के तो देखो ना कितना आनंद आएगा। एक बार हवा निकाल देना, फिर कहना माना जो उसमें बैठ के अब चल, हमारा चलेगी चलेगी तो, लेकिन वो बात नहीं है जो हवा के साथ होती है। तो मैं आपको बात अपनी समझा रहा हूँ, मैं कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, मेरा बड़ा विषय नहीं है, मेरा विषय तो ये है साहब, आपको इनके प्रकार से हमारे शब्द आपके अंदर प्रवेश कर जाए, मेरा मुख्य टारगेट ये है। तो कहे प्यार से जय श्री, तो जिस सवारी को हमारा अपने काबू में करके रखेंगे, जिस सवारी को, जिस साधन को, जिस साधन को हम अपने काबू में करके रखेंगे, तो साध्य अपनी दूरी को तय नहीं कर पाएगा, और जिस साधन को आवारा खोल देगा, महाराज ये तो लो ये सवारी हमने समाज में दे दी, अब जो भी आएगा चाबी लगाएगा ले जाएगा, जो भी आएगा चाबी लगाएगा ले जाएगा, जो भी आएगा ले जाएगा, क्या उसे फर्क पड़ता है? इसमें सर्विस होती है, इसमें डीजल पड़ता है, इसमें और भी अपना ग्रीस भी होता है, बहुत व्यवस्था होती है, लेकिन उससे क्या मतलब है? वो तो आवारा है ना भाई, आवारा खोल दिया ना, ये तो भैया सरकारी है, क्या फर्क पड़ता है? ये सरकारी है, क्या फर्क पड़ता है? अरे महाराज तो ये इंद्रिय जो है ना, ये सब सरकारी समझ करके ओपन मत करिए, इसे खुला मत छोड़िए, और नहीं तो महाराज इस पे जो साध्य है, इंद्रिय हो गई साधन और मन हो गया साध्य, साध्य साधन के द्वारा अपनी दूरी को तय कर लेता है। तो इंद्रिय है साधन और मन है साध्य, है मन है साध्य, तो साध्य साधन के द्वारा दूरी को तय करता है। तो इंद्रियों के इतना खुला मन छोड़िए ताकि ये मन महाराज आवारा हो जाए, ये मन जी चाहे वो काम कर बैठे। और कभी कभी तो महाराज मन ऐसी जगह पर ले जाता है, ऐसी जगह पर ले जाता है, ऐसी जगह पर ले जाता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों वहां से बचना भी दुर्लभ हो पाता है, ऐसी जगह पर इसी मोड़ पर जाकर के खड़ा करेगा। और ये मन जो है भैया अच्छी जगह पर आज दिन तक कभी किसी को लेकर के ही नहीं गया, ये इतना बढ़िया आदमी है, ये मन जो है ऐसी जगह पर ले जाएगा जो हमारा समस्या का जंजाल, ऐसी जगह पर लेकर के जाएगा। तो इस मन को अपने काबू में रख, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, कौन के? इंद्रियों के। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारग, सुमाने अपने, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
अगर आज कथा आपके समझ में आए तो कल से का इंसान को कहना महाराज इसी तरीके से चलनी चाहिए तो चलेगी। और फिर जिस भाषा में आप लोग जिस समय जिस समझना जिस जिस हिसाब से समझे तो पहले बता देना उस हिसाब से ये दास आपकी कथा को समझाएगा। तो कहे प्यार से जय श्री। मैंने कहा ना थोड़ा धीरे बोला करो, पड़ोसी भी ना सुन ले नहीं तो समस्या और लग जाएगी। हो सकता पड़ोसी को नींद का झोंका लाग रहा हो, पड़ोसी बोला जी बोल तो सही एक बार बुलवा के तो देख, मेरे को नींद लग रही है तू मुझसे बुलवा रही है, तू मुझसे बुलवा रहा है समस्या आएगी। तो इतना धीरे बोलो ताकि पड़ोसी भी ना सुन ले। कहे प्यार से जय श्री। अरे आप लोग तो बिल्कुल नेगेटिव चल रहे हो साहब, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ आप नेगेटिव चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ धीरे बोलो तो आप तेज बोलते हो, मगर तो तेज बोलो महाराज आप माइनस हो जाते। कहे प्यार से जय श्री। जय जय श्री राधे। रा राधे क्या है रा? रहने दो तुम झूठ बोल रहे बिल्कुल। मैंने कहा ना ये धर्म का जगह महाराज, ये धर्म स्थान है, आप पर सत्य बोलिए। राधे नहीं 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 इस शुद्ध शब्द को बोलो राधे। अरे दो चार बोले पागल हो गया क्या, मैं तो बिल्कुल शुद्ध बोल रहा हूँ ना राधे ना राधे नहीं राह, थोड़ा कोमा लगा हुआ राह दे राह दे। राह कहते रास्ता को, पथ डगर रोड ऐसे समझो बिल्कुल अपनी भाषा में। राह राह कहते हैं इस रास्ता को, और राह दे जो कुमार्ग से हटा करके हमें सच्ची राह दे, जो कुमार्ग से हटा करके अब जहाँ जुआरी बैठे हो साहब, जब शराबी बैठा हो या चोर लुटेरा बैठा हो, और श्रीमान जी आप भी खड़े हो जाना फिर देखो क्या हालत होती है एक बार देखना। तो राह वो कुमार्ग है, कुमार्ग गामी है। तो कुमार्ग से हटा करके जो सच्ची, आप किसी गलत जगह पर खड़े हो, आपका कोई ज्यादा रियल मित्र आ गया या व्यवहारी आ गया पड़ोसी आ गया, भैया इधर आ क्या इधर आ गए आप हाथ पकड़ा इधर चल ये जगह अच्छी नहीं है इधर चल, और वो सत्संग में ले जा करके पहुंच गया है ना महाराज, बुजुर्गों की संगत में लेके बैठा दिया। तो ये है कुमार्ग से हटा करके हमें सच्ची राह दिखा दे। इतना काम कौन करता है, इतना काम कौन करता है साहब, इतना काम करता है मेरे प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनो, जो कुमार्ग से हटा करके हमें सच्ची राह दिखाता है वो होता है कौन? बिन गुरु भवन भीतर न कोई, 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 बिन गुरु सम होई, जय जय शंकर सम होई, जय ब्रज शंकर सम होई, जय ब्रज शंकर सम होई। काम कौन करता है, जो कुमार्ग से हटा करके हमें सच्ची राह दिखा देता है प्यारे भागवत श्रोता बंधु जनो, बिन गुरु भवन तरह न कोई, चहो बिरंच शंकर सम होई, चाहे भगवान ब्रह्मा शंकर के समान कायन हो, इतना काम करता है जो अपना सदगुरु होता है। इतना काम वो व्यक्ति करता है जो अपना सदगुरु होता है, वो कुमार्ग से खींच करके और हमें सच्ची रास्ता पर महाराज खड़ा कर देता, बोला बेटा ऐसा चल जा। और वो रास्ता हमें कैसे देता है, मंत्र के द्वारा।
जो मंत्र देते हैं ना गुरु जी, वो मंत्र के द्वारा महाराज प्रेरित कर देता है, बेटा इस तरीके से तू चला जा, इस तरीके से चला जा और आगे जा करके तुझे आनंद की अनुभूति हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान रखना। तो हम उस शक्ति का यहाँ गुणानुवाद कर रहे हैं, राह। अब तो समझ में आ गई होगी राधे का मतलब, राह दे, जो कुमार्ग से हटा करके हमें सच्ची रास्ता दिखा दे। हम उस शक्ति का यहाँ बीच बीच में संपिट बुलवाते हैं और उसे कहते हैं अपना सदगुरु, कहे प्यार से जय श्री राहा दे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अच्छी बात है। तो